भैया। जिंदगी हमेशा इसी उम्मीद पर टिकी होती है कि आने वाला कल हमारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। अपने इसी बेहतर कल की तलाश में श्रद्धा, उम्र 26 साल, पालघर से मुंबई आती है और मल्हाड़ के कुछ अपने दोस्तों की जान पहचान से मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करने लगती है। इसी कॉल सेंटर में श्रद्धा की मुलाकात आफताब अमीन नाम के एक लड़के से होती है। करीब 8-9 महीने गुजर जाते हैं। इस बीच दोनों की आपस में बातचीत होती है, फिर दोस्ती, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। रुकना। हाँ बोलो। कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? कहीं बैठ के बात करें। ठीक है, कैफे चलें। वेटर, दो कॉफी। तुम्हें कुछ बोलना था? हाँ, बोला। मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, इसी बहाने मम्मी से हमारे बारे में बात भी कर लूंगी। ठीक है, चली जाओ। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम भी ठीक चल रहा है। अच्छा, आपको कुछ बताना है? हाँ बेटा, हाँ बेटा। माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हम दोनों साथ में ही जॉब करते हैं, उसका नाम आफताब है, हम दोनों साथ ही रहते हैं और मैं उसी से ही शादी करूँगी। बेटा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हमारा परिवार, हमारा खानदान तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा। हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जाति बिल्कुल अलग है, वो मुस्लिम धर्म का है, हम हिंदू हैं। जब हमारे समाज के हमें हिंदू अलग कास्ट में शादी करने के लिए मना करते हैं, तो मुस्लिम में कैसे शादी कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। माँ, ये सब आप मुझे मत बताओ, मैंने सोच लिया है, मैं शादी आफताब से ही करूँगी। मैं इस लायक हूँ कि अपने फैसले खुद ले सकती हूँ।
मेरा आफ्ताब बाकी सब लड़कों जैसा नहीं है, वो अलग है। बेटा समझने की कोशिश कर, मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। और अब आप ये समझ लो कि मैं आपकी बेटी हुई नहीं। श्रद्धा अपनी माँ से झगड़ने के बाद दोबारा मुंबई आ जाती है और फिर से आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप श्रद्धा को फोन पर बार बार समझाते हैं लेकिन श्रद्धा पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। हो सकता है कि श्रद्धा की माँ अपनी बेटी को मना पाती है क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन तभी जनवरी 2020 का दिन आता है और श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। जैसे ही श्रद्धा को अपनी माँ की मौत का पता चलता है, श्रद्धा अपने घर आती है और तमाम रस्मों को पूरा कर दोबारा मुंबई लौट जाती है। मुंबई आने के बाद श्रद्धा केवल दो बार ही अपने पिता से फोन पर बात करती है। बातचीत के दौरान पिताजी श्रद्धा से पूछते हैं क्या उसने अपना इरादा बदला, तो श्रद्धा बताती है कि आफ्ताब ने उसे कई बार मारा, पीटा, डराया लेकिन उसने माफ़ी भी मांगी और अब वो दोबारा घर लौट कर आने वाली नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो बोल रही हूँ ना, तुम जॉब पे क्यों नहीं गए? कब तक घर में बैठे रहोगे ऐसे? नहीं करनी मुझे जॉब। क्यों नहीं करनी? मैं तुम्हारे भले के लिए तो बोल रही हूँ ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप अभी क्या कर रहे हो? मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। क्या शादी करी? सब सच बोल रहे हैं। चलो हमें उसी क्लब की सब देख रहे हैं। आफ्ताब के खिलाफ श्रद्धा का यह पहला कदम था। अपने दोस्तों के समझाने पर श्रद्धा पुलिस कंप्लेंट करती है और उसमें बताती है कि वो पहले आफ्ताब से शादी करना चाहती थी लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि आफ्ताब उसे मारता है, पीटता है और उसे हमेशा धमकी देता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देगा। इंटरव्यू अच्छा रहा और कल से मुझे जॉब भी मिल जाएगी, फिर हम दिल्ली में अच्छे से सेट हो जाएंगे। जब सब कुछ ऐसा चल ही रहा है तो क्यों ना अपन शादी कर लेते हैं? शादी? क्या शादी शादी लगा रखी है? कर लेंगे ना शादी, मैं कहीं भटके जा रहा हूँ क्या? आफ्ताब क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो जाता है बार बार? कभी प्यार करते हो, कभी गुस्सा करते हो, ये क्या है आफ्ताब? कुत्तों जैसा बिहेव क्यों करते हो तुम? क्या कुत्ता दिखता हूँ मैं तुम्हें? आफ्ताब आफ्ताब छोड़ो मेरा गला, आफ्ताब छोड़ो।
शादी करेगी कुत्ता बोलेगी अब कुत्ता बोल बोल ना बोल छोड़ो मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी मुझे छोड़ो आप ना मेरा गला तू सांस ले यार श्रद्धा उठो ना हम शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेगी कुत्ता बोलेगी श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह उठकर मार्केट जाता है और कुछ सामान खरीदता है। उनमें आरी चाकू छुरी और कुछ पॉलीथीन्स होती है। इस वक्त आफ्ताब के मन में क्या चल रहा है, आखिर वो इन सबसे करना क्या चाहता है, आइए जानते हैं। Bye.
लाश के कई टुकड़े करने के बाद आफताब उन टुकड़ों को लेकर रात के आखिरी पहर में उन्हें ठिकाने लगाने निकल जाता है और यह सिलसिला करीब 18 दिनों तक चलता है, जिनमें आफताब कई टुकड़े तालाब पर, कहीं किसी सुनसान जगह पर और कुछ टुकड़े जंगल में फेंक देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि दिल्ली जैसे महानगर में जहां पुलिस सबसे ज्यादा चौकन्नी और मुश्तैद होती है, वहां आफताब अपने इस घिनौने काम को अंजाम देता रहता है। ऐसी घटनाएं इंसान के भीतर डर को जन्म देती है। हमारे देश में हर रोज ऐसी कई घटनाएं घटित होती है जिनमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है। श्रद्धा के विश्वास का गला घोटकर आफताब ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आफताब जैसे कई अपराधी ऐसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने के बाद भी खुलेआम घूमते रहते हैं। अक्सर ऐसे अपराध को जाति और धर्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है ना ही कोई मजहब। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला केवल और केवल अपराधी होता है और ऐसे जिन्होंने अपराध की इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपने माँ बाप की बात ना मानकर जो गलती श्रद्धा ने की वो गलती आप ना दोहराएं और ऐसी गलतियों का शिकार होने से खुद को बचाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और हाँ, वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।